हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? होप यू ऑल आर गुड एंड हेल्दी। तो हमने हमारा डेटरमिनेंट चैप्टर स्टार्ट कर रखा है और उसके अंदर हमने किया है कि हम कैसे 2x2 मैट्रिक्स का डेटरमिनेंट निकाल सकते हैं, कैसे 3x3 मैट्रिक्स का चाहे कितनी भी ऑर्डर की मैट्रिक्स हो, हम उसका कैसे डेटरमिनेंट निकाल सकते हैं। वो तो हमने बेसिक मेथड किया कि डेटरमिनेंट निकालते कैसे हैं, क्या उसके रूल हैं, हम क्या रूल फॉलो करते हैं, कि हमें क्या प्रोसेस करनी होती है कि हमारा डेटरमिनेंट निकल जाए। आज हम करेंगे कि डिटरमिनेंट को और हम इजी वे से कैसे निकाल सकते हैं। वो तो हमारा बेसिक मेथड हुआ जो हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि डिटरमिनेंट को कैसे सॉल्व करते हैं, क्या उसके रूल हैं, है ना, कहाँ से आपको एक्सपेंड करना होता है, कौन सी रो, कौन सा कॉलम, जो भी आप करना चाहें। आज हम थोड़ा सा और भी सिंप्लीफाई करेंगे इसको, डिटरमिनेंट को और सिंप्लीफाई में वे में करेंगे आज हम डिटरमिनेंट को। तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, पहले वो हम डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, देखिए फ्रेंड, इसकी प्रॉपर्टीज़ करते हैं आज हम इसकी। देखिए फर्स्ट क्या है कि डिटरमिनेंट ऑफ ए डैश इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए, या फिर हम क्या बोल सकते हैं, इफ द रो आर चेंज्ड इनटू कॉलम एंड कॉलम आर चेंज्ड इनटू रो, देन डिटरमिनेंट डज नॉट चेंज। आपको समझाने के लिए लिखा है मैंने, क्या है ये कि अगर हम रो को कॉलम में चेंज कर दें और कॉलम को रो में चेंज कर दें तो उसके डिटरमिनेंट में कोई चेंज नहीं आएगा फ्रेंड्स, क्योंकि रो को कॉलम में चेंज करने से, कॉलम को रो में चेंज करने से क्या बन जाता है, उसका ट्रांसपोज बन जाता है ना। तो कहने का मतलब यही है कि ए ट्रांसपोज का अगर आप डिटरमिनेंट लेते हैं या फिर आप ए का डिटरमिनेंट लेते हैं, वो दोनों ही क्या रहते हैं, आपके सेम रहते हैं, दोनों ही क्या रहते हैं फ्रेंड्स, सेम रहते हैं। जैसे देखिए इसका एग्जाम्पल करते हैं हम, एक मान लीजिए आपने एक मैट्रिक्स ले ली, 2 3 1 2, इसका डिटरमिनेंट निकालिए पहले, क्या आएगा डिटरमिनेंट, 2 3 1 2 कीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई, 4 - 3 दैट इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट इसका ट्रांसपोज लीजिए मैट्रिक्स का, क्या आएगा, 2 3 1 2, रो को कॉलम में चेंज कर दिया, कॉलम को रो में चेंज कर दिया, देन ए डैश, ये ए डैश है ना, तो ए डैश का डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा यहाँ से, 2 1 3 2 कीजिए फ्रेंड्स क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 4 - 3 = 1। आपने क्या देखा कि आप किसी भी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकाले या उसके ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट निकाले, वो हमेशा क्या रहता है फ्रेंड्स, सेम रहता है। तो कई बार आपको क्वेश्चन दे देता है वो कि ए मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट दिया हुआ है, आप फाइंड आउट कीजिए कि ए ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट क्या होगा। तो आप सीधा वहाँ से, अगर आपको ये प्रॉपर्टी पता है जो कि हमने अभी आपको कैलकुलेट करके भी दिखाया है, अगर आपको ये प्रॉपर्टी पता है तो आप वहाँ डायरेक्टली लिख सकते हैं कि ए डैश का डिटरमिनेंट क्या होगा, जो किसके इक्वल होगा, ए डिटरमिनेंट के इक्वल होगा। ठीक है फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट करते हैं अब हम। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है हमारी, अगर हम इफ द टू रोज, इफ टू रोज और टू कॉलम्स, या तो हम रो की बात करें या फिर हम कॉलम की बात करें, अगर किसी भी दो रो और किसी की दो कॉलम आर इंटरचेंज्ड देन डिटरमिनेंट चेंज्ड इट्स साइन। इसका मतलब समझिए क्या, मैं क्यों लिख रही हूँ आप लोगों के लिए लिख रही हूँ, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए, वरना मैं ओरली भी बोल सकती हूँ ये चीज़ें। इफ द टू रोज और टू कॉलम्स आर इंटरचेंज देन डिटरमिनेंट चेंज इट्स साइन। अगर किसी भी दो रो और दो कॉलम, या तो आप दो रो को आपस में इंटरचेंज कर दिए, फर्स्ट रो की जगह सेकेंड रो को लिख दीजिए, सेकेंड रो की जगह फर्स्ट रो को लिख दीजिए, तो जो डिटरमिनेंट होगा उसका साइन चेंज हो जाएगा। अगर डिटरमिनेंट पहले नेगेटिव थे तो डिटरमिनेंट अब क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा। अगर डिटरमिनेंट पहले पॉजिटिव है तो अब क्या बन जाएगा, डिटरमिनेंट हमारा नेगेटिव बन जाएगा। ऐसे ही अगर आप किसी भी दो कॉलम को इंटरचेंज करते हैं तो वहाँ भी डिटरमिनेंट में क्या आ जाएगा, चेंज आ जाएगा, डिटरमिनेंट क्या बन जाएगा, अपना साइन चेंज कर लेगा। जैसे इसका एग्जाम्पल देख लीजिए,
साथ में हम एग्जांपल भी डिस्कस करेंगे, साथ में प्रॉपर्टीज भी डिस्कस करेंगे, ताकि आपको कहीं भी 0.1% भी आपको डाउट ना रहे कहीं भी। हम ऐसे मेथड से करवाएंगे आपको, ठीक है फ्रेंड। चलिए मान लीजिए ये कोई भी, हम छोटी से छोटी मैट्रिक्स लेंगे ताकि हम जल्दी से एग्जांपल कर लें हमारे, ठीक है, क्योंकि ये तो हमें प्रॉपर्टी प्रूफ ही करनी है ना, तो हम एग्जांपल से छोटे से छोटा एग्जांपल लेके भी प्रूफ कर सकते हैं। ओके चलिए, आपने यहाँ पे लिख दिया मान लीजिए 1 2, यहाँ पे लिखा आपने 3 5। ओके फ्रेंड, अब आपने इस जो मैट्रिक, इसका डिटरमिनेंट क्या होगा देखिए, 1 3 2 5, निकाल दीजिए इसका डिटरमिनेंट, तो क्या आ जाएगा यहाँ से 5 - 6 दैट इज इक्वल टू -1। आपने इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकाला, क्या आया, -1 आया। अगर मैं इसके रो और कॉलम को चेंज कर दूं, अगर मैं इसके रो और कॉलम को चेंज, रो को, दो रो है ना इसके अंदर, ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो, अगर मैं इसकी रो को चेंज कर दूं, ये साइन होता है बेटा चेंज करने का, ये फ्रेंड्स आपका चेंज करने का साइन होता है इंटरचेंज का, कि आपने R1 को R2 में इंटरचेंज कर दिया, R2 को R1 में। आगे मैं करवाऊंगी एक बार, तो ये क्वेश्चन आते हैं इसलिए मैंने डिस्कस कर लिया यहाँ पे, ठीक है। अब R1 की जगह हम R2 लिखेंगे और R2 की जगह क्या लिखेंगे, R1 लिखेंगे। अब कीजिए इसका डिटरमिनेंट क्या आने वाला है, इसका डिटरमिनेंट क्या आने वाला है, इसका डिटरमिनेंट 6 - 5 दैट इज इक्वल टू 1। तो देखिए ये इस A के डिटरमिनेंट का क्या बना, नेगेटिव बना या नहीं बना, बना ना। ये जो नई मैट्रिक्स हमने बनाई इंटरचेंज करके, वो इसमें और इसमें क्या रिलेशन, इसका नेगेटिव आया ना, तो यानी कि इसका हमें क्या लगाना पड़ेगा, आगे नेगेटिव लगाना पड़ेगा दोनों को इक्वल, क्योंकि ए डेटमेंट यहाँ से भी -1 है, तो ए डेटमेंट यहाँ से भी तो -1 आना चाहिए ना। तो जैसे ही आप किसी भी दो रो या किसी भी दो कॉलम को इंटरचेंज करेंगे तो उसके डेटरमिनेंट में चेंज आ जाएगा, डेटरमिनेंट क्या हो जाएगा, उसका साइन चेंज कर लेगा। तो क्योंकि अगर हमें इसी का डेटमेंट निकालना है, इसी का डेटमेंट निकालना है और हमें ज़रूरत पड़ जाए कि कभी कहीं हमें रो, दो रो को चेंज करना पड़ जाए, तो आप क्या कर दीजिए, वहाँ पे साइन लगा दीजिए आगे माइनस का, तो वो दो रो आपकी क्या हो जाएंगी, चेंज। जैसे पहले डेटरमिनेंट ऑफ ए ये था 1 3 2 5, अब आपने इसकी ये ऑपरेशन लगाया आपने इसके ऊपर, इसको ऑपरेशन बोलते हैं, अभी हम डिस्कस करेंगे विद इन फ्यू मिनट्स। R1 एंड R2 आपने इंटरचेंज कर दिया, R1 एंड R2 को, तो ये ऑपरेशन लगाया ना इंटरचेंज, जैसे ही आप करते हैं तो वहाँ पे आप क्या कर देते हैं, डिटरमिनेंट का साइन चेंज कर देते हैं। अब हमने प्रूफ करके भी दिखाया कि डिटरमिनेंट का साइन चेंज हो जाता है, तो ये हमारी एक प्रॉपर्टी बन गई कि कहीं भी आपको यूज़ करना पड़ जाए, आपको दो रो को इंटरचेंज करना पड़ जाए, दो कॉलम को इंटरचेंज करना पड़ जाए, तो वहाँ पे आप उसका क्या कर देंगे, साइन चेंज कर देंगे। अब देखिए नेक्स्ट, देखिए फ्रेंड्स क्या है नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है हमारी, इफ एनी टू रोज और कॉलम्स, कोई भी दो रो या कॉलम आर आइडेंटिकल, अगर कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम आइडेंटिकल हो जाते हैं, इट मीन्स जैसे मैंने ये लिखा ए बी सी। अब देखिए फ्रेंड, ये दोनों कॉलम क्या हैं, आइडेंटिकल है या नहीं है, एक जैसे हैं या नहीं है, यहाँ भी ए बी सी है, यहाँ भी ए बी सी है, तो इट मीन्स क्या हो जाएगा, यहाँ से इसका डिटरमिनेंट क्या निकल आएगा फ्रेंड्स, हमारा ज़ीरो निकल आएगा। अगर किसी भी डिटरमिनेंट के अंदर या किसी भी मैट्रिक्स के अंदर हमारी कोई भी दो रो और कोई भी दो कॉलम अगर हमारे आइडेंटिकल हो जाते हैं, तो वो हमारी क्या हो जाएगा, उसका डिटरमिनेंट ज़ीरो आ जाएगा। अगर यहाँ पे बाय चांस ये भी होता ना कुछ के मल्टीपल भी हो जाता, तो भी इसका डिटरमिनेंट ज़ीरो आ जाता। क्यों आ जाता, क्योंकि हम इस रो से क्या, इस कॉलम से क्या बाहर ले लेते, के को बाहर ले लेते, इस कॉलम से जैसे ही हमारा के बाहर आता, फिर से हमारी ये क्या आ जाती, दोनों सेम आ जाते दोनों कॉलम, तो फिर से हमारा के इंटू ज़ीरो क्या हो जाता, ज़ीरो हो जाता। तो आइडेंटिकल का मतलब क्या है, कि अगर कोई भी पर्टिकुलर रो और पर्टिकुलर कॉलम एक दूसरे का मल्टीपल आ जाए, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट, यही मतलब हुआ ना आइडेंटिकल का, तो कि अगर उसमें से कुछ कॉमन लें और दोनों के एलिमेंट सेम आ जाएं, तो वहाँ से डिटरमिनेंट क्या आ जाएगा हमारा, ज़ीरो। डिटरमिनेंट क्या आ जाएगा वहाँ से, ज़ीरो। अब नेक्स्ट देखिए, इफ ईच एलिमेंट इन ए रो और कॉलम ऑफ ए डिटरमिनेंट इज मल्टीप्लाइड बाय द सेम फैक्टर, देन डिटरमिनेंट इज मल्टीप्लाइड बाय द सेम फैक्टर। अभी मैंने ये करवा दिया है वैसे ये वाला क्वेश्चन, कि देखिए फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है हमारी,
if each element in a row or column, अगर रो और कॉलम के हर एक एलिमेंट को ऑफ अ डिटरमिनेंट इज मल्टीप्लाई बाय द सेम फैक्टर देन डिटरमिनेंट इज ऑल्सो मल्टीप्लाइड विद दैट फैक्टर. देखिए क्या कह रहा है, एग्जाम्पल से मैं समझाऊंगी आपको. एक बार इसको देख लीजिए, प्रॉपर्टी राइट डाउन कर लीजिए. क्या है, अगर किसी भी डिटरमिनेंट के पर्टिकुलर रो, किसी भी डिटरमिनेंट की पर्टिकुलर रो और पर्टिकुलर कॉलम को, आपको किसी भी रो को या किसी भी कॉलम को किसी ने किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं, किसी ने किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, किसी ने किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो वो नंबर निकल के कहाँ आ जाता है, बाहर आ जाता है. यानी कि वो हमारा पर्टिकुलर नंबर किससे भी मल्टीप्लाई हो जाता है, डिटरमिनेंट से भी मल्टीप्लाई हो जाता है. किससे भी मल्टीप्लाई हो जाता है, डिटरमिनेंट से भी मल्टीप्लाई हो जाता है. जैसे देखिए, मान लीजिए यहाँ है 1, 2, 3, यहाँ है 3, 4, 5 और यहाँ है 2 × 3, 2 × 5 एंड 2 × 6. अब ये कोई भी मैट्रिक्स है, ठीक है. अब ये कोई भी डिटरमिनेंट है, तो इसका जैसे ही हमारा बाहर आएगा, अब देखिए क्या आया हुआ है, आपने एक रो को मल्टीप्लाई किया है ना, किससे मल्टीप्लाई किया है, 2 से, सॉरी कॉलम को, एक पर्टिकुलर कॉलम को किससे मल्टीप्लाई किया है, 2 से मल्टीप्लाई. तो ये 2 बाहर आ जाएगा और किसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, इस 2 की, इस पूरे के पूरे डिटरमिनेंट के साथ, इस पूरे के पूरे डिटरमिनेंट के साथ. मतलब क्या है कि अगर आप किसी भी रो से या किसी भी कॉलम से सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो वो एक पर्टिकुलर रो से बाहर आएगा. पूरे मैट्रिक्स में तो हम क्या करते थे, मैट्रिक्स में तो क्या करते थे कि अगर पूरी मैट्रिक्स ही किसी स्केलर से मल्टीप्लाई हो रही तो पूरी मैट्रिक्स से बाहर आता था. लेकिन इस केस में ऐसा नहीं है. अगर किसी पर्टिकुलर रो में भी कोई पर्टिकुलर कॉलम या पर्टिकुलर रो में भी कोई भी एलिमेंट हमारा सेम फैक्टर से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो वो फैक्टर निकल के कहाँ आ जाता है, बाहर आ जाता है. और बाकी की बाकी हमारा डिटरमिनेंट क्या रह जाता है, सेम रह जाता है बाकी का. तो मतलब यही है कहने का कि ईच एलिमेंट ऑफ अ रो और कॉलम ऑफ अ डिटरमिनेंट इज मल्टीप्लाई बाय द सेम फैक्टर. अगर किसी भी रो के, किसी भी कॉलम या किसी भी रो के पर्टिकुलर एलिमेंट को, हर एक एलिमेंट को हम किसी भी फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो डिटरमिनेंट भी, जो डिटरमिनेंट है वो भी हमारा क्या हो जाता है, उससे क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है. उससे क्या हो जाता है, हमारा मल्टीप्लाई हो जाता है. ठीक है फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट करते हैं. अभी हम इफ ए इज अ स्केलर मैट्रिक्स, देखिए अगर ये कोई भी स्केलर मैट्रिक्स है. अब स्केलर मैट्रिक्स किस फॉर्म की होती है, स्केलर मैट्रिक्स होती है वो किस फॉर्म की होती है, A इज इक्वल टू K इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स. यही होती है ना स्केलर मैट्रिक्स, तो कि सारे के सारे जो डायगनल एलिमेंट है वो सेम होने चाहिए और बाकी सारे क्या होने चाहिए, हमारे नॉन डायगनल एंट्रीज क्या होनी चाहिए, हमारी जीरो होनी चाहिए. तो इसका अगर डिटरमिनेंट निकालें तो इसका डिटरमिनेंट क्या आएगा, A इज इक्वल टू K इंटू आइडेंटिटी का डिटरमिनेंट. अब जब भी ये मान लीजिए n ऑर्डर की है, कितने ऑर्डर की है, n ऑर्डर की मैट्रिक्स है. तो हमने प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस किया था, अगर आप किसी भी कांस्टेंट को पूरे ही डिटरमिनेंट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, पूरी ही मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स के पूरे हर एक मेंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो ये के कहाँ आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, क्योंकि हर एक रो में है वो, हर एक रो में है या फिर वो हर एक कॉलम में है. अब कितने रो कितने कॉलम है, एन रो है ना, तो यानी कि कितना बाहर आ जाएगा, के रेशो दी पावर एन इंटू डिटरमिनेंट ऑफ आइडेंटिटी. और आइडेंटिटी का डिटरमिनेंट कितने ऑर्डर की, एन ऑर्डर की, तो आइडेंटिटी का डिटरमिनेंट तो हमेशा क्या रहता है, वन रहता है. करके देख लीजिए, चाहे कितने भी ऑर्डर की क्यों ना हो, मान लीजिए 2 ऑर्डर की है तो 1 मल्टीप्लाई 1 कितना आएगा, 1 आएगा. यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स चाहे वो कितने भी ऑर्डर की हो, उसका डिटरमिनेंट हमेशा क्या रहता है फ्रेंड, 1 रहता है. क्या रहता है, 1 रहता है. ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखिए. नेक्स्ट है हमारी प्रॉपर्टी, इफ ईच एलिमेंट ऑफ अ रो ऑफ अ मैट्रिक्स ए इज एक्सप्रेस्ड एज अ सम ऑफ 2 और मोर टर्म्स, देन डिटरमिनेंट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ सम ऑफ 2 और मोर डिटरमिनेंट. क्या कह रहे हैं, देखिए फ्रेंड्स,
नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी, ये हमारी प्रॉपर्टी 6 कि अगर आपका डिटरमिनेंट के अंदर कोई भी पर्टिकुलर रो या कोई भी पर्टिकुलर कॉलम का हर एक एलिमेंट में किसी भी दो या दो से ज़्यादा टर्म का सम है, मान लीजिए यहीं पे ये मेरी कोई भी मैट्रिक्स है, ये कोई डिटरमिनेंट ले लिया मैंने, मैट्रिक्स से डिटरमिनेंट बना लिया और इसके अंदर यहाँ पे ऐसे कुछ दिया हुआ है, इसको कुछ और नाम दे दीजिए, चलो सी यहाँ आ गया ना, यहाँ पे एफ। इसका कहने इस प्रॉपर्टी में क्या है कि अगर आपके डिटरमिनेंट के अंदर कोई भी कॉलम या कोई भी रो टर्म का सम आया हुआ है, चाहे वो कितनी भी टर्म हो तो उसको हम कैसे राइट कर सकते हैं, डेटर जो दो डेट जितना भी सम है, जितनी टर्म का सम है उसको हम ब्रेक कर देंगे तो हमारे पास कितने डिटरमिनेंट बन जाएंगे, यहाँ पे 2 डिटरमिनेंट। पहले तो हम उठाएंगे यहाँ से ए ई एफ और यहाँ पे 1 2 3 5 6 7 और प्लस बी सी डी, हमने ये अलग अलग टर्म उठा ली, यहाँ से अलग अलग टर्म उठा ली, तो किसमें एक्सप्रेस करते हैं, सम ऑफ 2 or more डिटरमिनेंट। तो किसका सम बन गया ये, अगर 2 टर्म का सम है, अगर डिटरमिनेंट के अंदर किसी भी रो में 2 टर्म का सम आया हुआ है तो उसको हम किसमें एक्सप्रेस कर सकते हैं, डिटरमिनेंट 2 डिटरमिनेंट के सम में। अब हमारे कितने डिटरमिनेंट आ गए, यहाँ पे 2 डिटरमिनेंट आ गए और उन सब का हमने उन दोनों का क्या कर दिया मैंने सम। यानी कि आप क्या कर सकते हैं, किसी भी पर्टिकुलर रो और किसी भी पर्टिकुलर कॉलम में अगर आपको लगता है कि वो कहीं ना कहीं कि 2 टर्म का सम है या 3 टर्म का सम है, अगर 3 टर्म्स का सम है तो आप उसको 3 डिटरमिनेंट में ब्रेक कर सकते हैं। पहले उठाएंगे आप फर्स्ट वाली टर्म, जो 3 टर्म का सम है तो पहले उठाएंगे फर्स्ट वाली टर्म, देन सेकंड एंड थर्ड रो इज सेम, देन सेकंड सम में क्या उठाएंगे, सेकंड वाली, जैसे ये वाली क्या उठाई मैंने, फर्स्ट वाली टर्म उठा ली, फर्स्ट वाली टर्म, ये सेकंड और थर्ड रो तो हमारी सेम रहेंगी ना, फिर प्लस आपने क्या किया यहाँ से बी सी डी सेकंड वाली टर्म उठा ली और सेकंड एंड थर्ड टर्म सेम, हमारी रो हमारी क्या रहेंगी या कॉलम हमारी क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। एक लास्ट प्रॉपर्टी और देख लीजिए, फिर हम करते हैं डिटरमिनेंट को सॉल्व करना स्टार्ट। डिटरमिनेंट इज अनअल्टर्ड इफ ईच एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम बी एडिड सम मल्टीपल के ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ द एनी अदर रो। देखिए क्या कह रहे हैं कि मान लीजिए ये मेरा कोई भी डिटरमिनेंट है, ए बी सी डी ई एफ जी एच, ये कोई भी डिटरमिनेंट है, अगर मैं इस डिटरमिनेंट की किसी भी रो और किसी भी कॉलम के अंदर क्या ऑपरेशन लगाऊं कि इस रो मान ली, मैं इस रो पे ऑपरेशन लगा रही हूँ, क्या ऑपरेशन लगाया इस रो पे मैंने, ये फर्स्ट रो है, ऐसे जिस पे ऑपरेशन लगाते हैं ना उसको ऐसे लिखते हैं R1, और ऑपरेशन लगा रहे हैं तो एरो लगा दिया क्योंकि हम R1 के ऊपर ऑपरेशन लगा रहे हैं। R1 पे क्या ऑपरेशन लगा रहे हैं कि इसमें इस रो में मैंने क्या ऐड कर दिया, किसी भी दूसरी रो का कोई ना कोई मल्टीपल मैंने ऐड कर दिया, किसी भी दूसरी रो का कोई ना कोई मैंने मल्टीपल ऐड कर दिया, तो ये हमारा जो डिटरमिनेंट रहेगा वो अनचेंज रहेगा, इस डिटरमिनेंट में कोई भी चेंज नहीं आएगा। इट मीन्स स्टेटमेंट क्या आ गई हमारी, कहने का मतलब क्या आ गया, डिटरमिनेंट इज अनअल्टर्ड इफ ईच एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम बी एडिड सम मल्टीपल के ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ एनी अदर रो। अगर आप किसी भी पर्टिकुलर रो में या किसी पर्टिकुलर कॉलम में आप ऐड करते हैं, क्या ऐड करते हैं, किसी भी दूसरे कॉलम, अगर आप इसमें ऐड कर रहे हैं इस कॉलम का कोई ना कोई मल्टीपल मतलब कोई ना कोई के मल्टीपल, यानी कि अगर आप इसमें ऐड कर रहे हैं इसको के से मल्टीप्लाई करके इन दोनों को आपने ऐड कर दिया और ऑपरेशन इसके ऊपर ऑपरेशन लगाया आपने, यानी कि आपने इसकी जगह पे वो चीज़ लिख दी, तो ये हमारा डिटरमिनेंट क्या रहेगा, अनचेंज रहेगा, क्या रहेगा, अनचेंज। जैसे देखिए मैं अभी बता देती हूँ आपको, मान लीजिए छोटा सा सोल्व करके दिखाती हूँ आपको, इसका डिटरमिनेंट निकालिए फ्रेंड्स क्या आएगा, 4 - 6 कितना आया फ्रेंड्स, -2 आया ना। अब मैंने इसके ऊपर ऑपरेशन लगा दिया,
मैंने इसके ऊपर क्या ऑपरेशन लगाए बताइए, कॉलम पे लगाए, रो पे लगाए? चलो मान ली मैंने रो पे लगा दिया, और कौन सी रो पे लगाए? फर्स्ट रो पे। फर्स्ट रो पे मैंने ऑपरेशन लगा दिया कि आर वन में मैंने इसको टू से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया, आर वन प्लस टू आर टू। आर वन पे मैंने क्या ऑपरेशन लगा दिया कि आर वन में मैंने क्या ऐड कर दिया, इसका टू टाइम ऐड कर दिया, यानी कि इसका मल्टीपल ऐड कर दिया। कितना मल्टीपल? टू मल्टीपल हमने ऐड कर दिया, ठीक है। तो क्या आएगा देखिए, फर्स्ट रो क्या बन जाएगी हमारी, आर वन में हमने टू टाइम आर टू ऐड किया ना, तो आर वन क्या है? वन, और इसका टू टाइम क्या हो जाएगा? फोर। फोर प्लस वन कितना हो गया? फाइव। यहाँ पे थ्री है, तो इसका मल्टीपल फोर मल्टीप्लाई टू इज एट, और एट प्लस थ्री इज हमारा क्या हो जाएगा? इलेवन। क्या हो जाएगा? इलेवन। और यहाँ से क्या है? टू। और यहाँ से क्या है? यहाँ से क्या है हमारा? फोर। यहाँ से क्या है? टू। और यहाँ से हमारा क्या है? फोर। अब हम करेंगे इनकी मल्टीप्लाई, तो देखिए फाइव मल्टीप्लाई फोर इज ट्वेंटी, इलेवन मल्टीप्लाई टू इज ट्वेंटी टू। यहाँ से भी डिटरमिनेंट क्या आया फ्रेंड्स? माइनस टू ही आया। तो आपने देखा कि अगर आप किसी भी पर्टिकुलर रो और किसी भी पर्टिकुलर कॉलम में, अगर रो की बात कर रहे हैं तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग किसी दूसरी रो का मल्टीपल अगर उसके अंदर ऐड करते हैं तो भी कोई चेंज नहीं आना है डिटरमिनेंट में। ये मैं प्रॉपर्टी क्यों करवा रही हूँ, आपको लग रहा होगा कि ये ऐसे ही मैम थ्योरेटिकल पोर्शन करवा रहे हैं कोई काम, ये हमारा अब यूज़ होएगा जब मैं क्वेश्चन करूँगी। अभी हम हमारे क्वेश्चन करने स्टार्ट कर रहे हैं, क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं अभी हम अपने, ठीक है। तो ऑलमोस्ट स्टार्ट होने वाले विद इन वन मिनट्स, ठीक है। तो अभी हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, देखिए क्या है हमारे। ये प्रॉपर्टी अगर आपने नहीं की, ये प्रॉपर्टी अगर आपने नहीं की तो आप क्वेश्चन को नहीं निकाल सकते। और मैंने ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं है जो मैंने एग्जांपल देके ना समझाई है, ठीक है। चलिए अब हम करते हैं, चलिए क्लास रो देख लीजिए कि अगर आप किसी भी दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करके उनका डिटरमिनेंट निकालते हैं तो वो किसके इक्वल आएगा? अलग अलग डिटरमिनेंट, अलग अलग मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकाल के उनकी मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके इक्वल। अगर आप पहले मल्टीप्लाई करके डिटरमिनेंट निकालते हैं, या फिर पहले डिटरमिनेंट निकाल दीजिए बाद में मल्टीप्लाई कर दीजिए, वो चीज़ हमारी क्या रहेगी फ्रेंड्स? सेम रहेगी। क्या रहेगी हमारी? सेम रहेगी। अब देखिए हम ऑपरेशंस कैसे लगा सकते हैं, अब हम ऑपरेशन कैसे लगा सकते हैं। फर्स्ट ये वाला ऑपरेशन लग सकता है कि किसी भी रो को, किसी भी दो रो को हम क्या कर सकते हैं? इंटरचेंज कर सकते हैं। किसी भी दो रो को हम क्या कर सकते हैं? इंटरचेंज। और इससे क्या फ़र्क आएगा डिटरमिनेंट में, क्या चेंज आएगा? डिटरमिनेंट का साइन क्या हो जाएगा यहाँ से? चेंज हो जाएगा। डिटरमिनेंट का साइन क्या हो जाएगा यहाँ से? चेंज। अगर आप किसी भी टू पर्टिकुलर रो और किसी भी टू पर्टिकुलर कॉलम को इंटरचेंज करते हैं, ये भी ऑपरेशन लग सकता है। अब वो आपकी मर्जी कि आप कॉलम पे लगा रहे हैं या रो पे लगा रहे हैं, बस आपने क्या कर देना है, अगर आपने फर्स्ट रो की जगह सेकंड रो को पुट कर दिया, सेकंड रो की जगह फर्स्ट रो को पुट कर दिया, तो डिटरमिनेंट के आगे साइन माइनस लगा दीजिए अगर प्लस का डिटरमिनेंट हो, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या ऑपरेशन लगा सकते हैं हम, कि आप किसी भी पर्टिकुलर रो को किसी न किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। किसी भी पर्टिकुलर रो को किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये ऑपरेशन भी लग सकता है। किसी भी पर्टिकुलर कॉलम को, किसी भी पर्टिकुलर कॉलम को आप किसी न किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने मल्टीप्लाई किया है तो फिर वहाँ पे क्या भी करना पड़ेगा, आपको बाहर डिवाइड भी करना पड़ेगा, मतलब ये एडजस्टमेंट तो हमें करनी ही है, ठीक है। ओके, थर्ड क्या है, किसी भी पर्टिकुलर रो में आप क्या कर सकते हैं, किसी दूसरी रो का मल्टीपल ऐड कर सकते हैं। किसी भी पर्टिकुलर, आपने आर आई पे ऑपरेशन लगाया, क्या ऑपरेशन लगाया कि आर आई में मैंने ऐड कर दिया, कोई दूसरी रो है आर जे, उसका मल्टीपल क्या है? के, ठीक है। ऐसे ही आप किस पे ऑपरेशन लगा सकते हैं, कॉलम पे ऑपरेशन लगा सकते हैं कि किसी भी पर्टिकुलर कॉलम में आपने क्या ऐड कर दिया, किसी दूसरे कॉलम का मल्टीपल। देखिए अब इनका एप्लीकेशन करते हैं कि हम कैसे लगा सकते हैं ये ऑपरेशन, कैसे लगा सकते हैं ये ऑपरेशंस। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स हमारा क्या, एक बार एक दो क्वेश्चन देख लीजिए क्या है। अगर ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, इफ A is a square matrix of order 3 cross 3 या 3 भी लिख सकते हैं, अगर आप square लिखते हो तो आप 3 लिख देते, तो वो नॉन है कि हमें 3 cross 3 की matrix थी। तो आपको क्या प्रूफ करना है, आपको यहाँ से K A का determinant निकालना है। अब K A का determinant means 3 cross 3 की matrix है, तो क्या बताया था हमने कि बाहर क्या आ जाएगा, K ratio the power n और determinant of A, है ना, easy।
अब आपको अप्लाई करना आना चाहिए। तो एन कितनी है यहाँ पे, एन कितना है यहाँ पे, थ्री ऑर्डर की मैट्रिक्स है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, थ्री हमारा आ जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं हम। क्या है हमारा क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन है कि अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए माइनस वन है और डिटरमिनेंट ऑफ बी थ्री है, तो आपको निकालना है थ्री टाइम डिटरमिनेंट ऑफ ए बी क्या होगा। अब देखिए इसमें मैंने दो तीन प्रॉपर्टी यूज़ की हैं, देखना कौन कौन सी। सबसे पहले तो क्या है कि किसी इसको एक मान लीजिए, आप कोई एक मैट्रिक्स मान लीजिए, उसके साथ कोई ना कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है, तो कांस्टेंट को डिटरमिनेंट से बाहर निकालते हैं। और इसका ऑर्डर क्या है, मैट्रिक्स का ऑर्डर है, दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर है थ्री। कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स है, दोनों हमारी थ्री ऑर्डर की मैट्रिक्स है। तो यहाँ से थ्री डिटरमिनेंट से बाहर जाएगा, तो थ्री की पावर कितनी हो जाएगी, थ्री हो जाएगी ना, और इनटू डिटरमिनेंट ऑफ ए बी। अब ये डिटरमिनेंट ऑफ ए बी हमने अभी अभी किया था, क्या होता है डिटरमिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाई डिटरमिनेंट ऑफ बी। अब डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना दिया हुआ है फ्रेंड्स, माइनस वन, और डिटरमिनेंट ऑफ बी कितना दिया हुआ है, थ्री। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, माइनस 81। तो यहाँ पे आपके ऑपरेशंस या जो प्रॉपर्टी मैंने करवाई थी वो यूज़ होती हैं फ्रेंड। ऐसे हम हमारी प्रॉपर्टी और ऐसे हम हमारे ऑपरेशन को यूज़ करेंगे। ठीक है, चलिए अब करते हैं हम डिटरमिनेंट की बात। सारी प्रॉपर्टी यूज़ करके दिखाऊंगी मैं अभी आपको, देखना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है, एक्स वाई जेड ए बी सी, एक्स प्लस ए वाई प्लस बी और जेड प्लस सी, हम निकालेंगे इसका क्या आएगा, देखिए क्या आएगा, इसको क्या राइट कर सकते हैं। इसके अंदर दो प्रॉपर्टी यूज करेंगे हम, कौन कौन सी, कि अगर आपका कोई भी पर्टिकुलर कॉलम के अंदर दो टर्म का सम है तो उसको आप ब्रेक कर सकते हैं दो डिटरमिनेंट के सम में। तो ब्रेक कर दीजिए इसको, ब्रेक करेंगे तो क्या आएगा, एक्स वाई जेड ए बी सी, पहले आप फर्स्ट फर्स्ट एलिमेंट लिख दीजिए, क्या आ जाएगा यहाँ से एक्स वाई जेड। अब प्लस सेकंड डिटरमिनेंट में दोनों चीज़ें तो ऐड, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम तो एज इट इज़ रहेगा, इनमें तो कोई चेंज नहीं आएगा, एक्स वाई जेड ए बी सी, और सेकंड क्या आ जाएगा एलिमेंट, सेकंड थर्ड रो हमारी क्या आ जाएगी, ए बी सी। अब देखिए आप कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे यहाँ पे, अब कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, अब यहाँ पे आप लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो, सी थ्री कॉलम थ्री इज़ द सम ऑफ द टू टर्म्स, सो वी कैन ब्रेक इट इनटू टू डिटरमिनेंट, है ना, जो मैंने प्रॉपर्टी लिखवाई थी वो प्रॉपर्टी आप लिख सकते हैं। अब यहाँ से देखिए यहाँ कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे हम, यहाँ पे सी वन और सी थ्री हमारे क्या हैं, आइडेंटिकल हैं, क्या है आइडेंटिकल। अगर कोई भी दो रो या दो कॉलम आइडेंटिकल हो जाते हैं तो वहाँ से डिटरमिनेंट क्या निकल आता है, ज़ीरो। तो क्या आ गया डिटरमिनेंट इसका, सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ी ना, किसी भी रो किसी भी कॉलम के अलोंग एक्सपांड करने की जरूरत नहीं पड़ी, आपने डायरेक्ट देखते ही बता दिया कि इसका डिटरमिनेंट क्या आ गया, ज़ीरो। तो आज हम यही करने वाले हैं। अब यहाँ से देखिए ये सी टू और ये सी थ्री, ये भी दोनों क्या हैं, आइडेंटिकल हैं, एक जैसे हैं दोनों के दोनों, दोनों में एलिमेंट सेम आए हुए हैं, तो इट मीन्स इसका डिटरमिनेंट भी क्या हो जाएगा, ज़ीरो। तो ज़ीरो प्लस ज़ीरो हमारा डिटरमिनेंट क्या आ गया फ्रेंड्स, ज़ीरो। तो यानी कि इसका डिटरमिनेंट हमारा क्या आ गया यहाँ से, ज़ीरो। नहीं तो आप क्या करते, पहले एक्स लेते ए लिखते ए प्लस एक्स प्लस ए लिखते, फिर आप क्या करते टू क्रॉस टू की मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालते, क्रॉस मल्टीप्लाई करते, कितना टाइम लग जाता है इसको काटने पीटने में। तो अब आपने प्रॉपर्टी की है तो आप इजी वे में डिटरमिनेंट निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते हैं। तो अगर आपको ये चीज़ अच्छी लगी है, ट्रिक अच्छी लगी है, तो जल्दी से चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, बिकॉज हम लेके आ रहे हैं आगे बहुत सारी और नए नए मेथड्स। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स क्या है, इफ ए बी सी आर इन ए पी, इफ ए बी सी आर इन ए पी। अब ए पी आपने पढ़ी हुई है, टेंथ क्लास में हम पढ़ते हैं ए पी क्या होती है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो प्रॉपर्टी क्या होती है उसकी, एवरी सक्सेसिव टर्म हैज अ कॉन्स्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम द प्रीवियस टर्म, यही होता है ना। तो यानी कि या फिर हम ये भी बोल सकते हैं, जैसे ये तो ये डेफिनेशन बोली मैंने कि b माइनस ए का डिफरेंस किसके इक्वल होगा, c माइनस, या फिर हम क्या भी लिख सकते हैं 2b बी इज इक्वल टू ए प्लस सी, ये चीज़ भी राइट कर सकते हैं हम। अगर ये चीज़ आपको दी हुई है तो आपको निकालना है डिटरमिनेंट, किसका डिटरमिनेंट निकालना है, देखिए फ्रेंड्स 2y वाई प्लस फोर, थ्री वाई प्लस फाइव, फोर वाई प्लस सिक्स, फाइव वाई प्लस सेवन, सिक्स वाई प्लस एट,
सेवन वाई प्लस नाइन, एट वाई प्लस ए, नाइन वाई प्लस बी एंड टेन वाई प्लस सी। अब देखिए इसके अंदर क्या करते हैं हम, अगर मैं इसके अंदर, अगर हम इसके अंदर ये काम कर दें कि R1 और R3 को हम ऐड कर दें, अगर हम एक बार R1 और R3 को ऐड कर दें तो क्या आएगा, देखिए इसका, इसके पीछे भी लॉजिक है, क्योंकि हमें क्या बनाना है, A प्लस सी बनाना है, प्रॉपर्टी तो कहीं ना कहीं यूज़ करनी पड़ेगी ना, स्टार्टिंग में ही हमें समझ आ जाता है कि हमें करना क्या है इसके अंदर। तो आप R1 पे ऑपरेशन लगा दीजिए, किस पे ऑपरेशन लगा आपने, इसको चेंज किया है, आप R1 पे ऑपरेशन लगा दीजिए, क्या ऑपरेशन लगाया आपने, एरो है तो ऑपरेशन लगाया, क्या ऑपरेशन लगाया आपने इसमें कि R1 और R3 को आपने क्या कर दिया, ऐड कर दिया, क्या ऑपरेशन लगाया इसमें कि R1 में आपने क्या ऐड कर दिया, R3 ऐड कर दिया, तो R3 का मल्टीपल क्या है यहाँ पे, 1, तो 1 लिखने की जरूरत हमें नहीं है, ठीक है। तो ऐड करेंगे तो क्या आएगा, देखिए फ्रेंड यहाँ से 2y प्लस 4, 4y प्लस 6, तो 6y प्लस 10, 5y प्लस 7, 7y प्लस 9, 12y प्लस 16, ठीक है, 8y और 10y 18y और प्लस a प्लस c, ठीक है या नहीं है, ठीक है। अब यहाँ से देखिए 3y प्लस 5, 6y प्लस 8 और 9y प्लस b, 4y प्लस 6, 7y प्लस 9 और 10y प्लस c, इसको एज इट इज लिख दीजिए। अब आपको कुछ दिख रहा है यहाँ पे, कुछ नज़र आ रहा है आपको क्या, यहाँ पे 6y प्लस 10 है, यहाँ पे 3y प्लस 5 है, यहाँ पे 12y प्लस 16 है, यहाँ पे 6y प्लस 8 है, यानी कि ये वाली जो सेकंड रो है वो किसका 2 टाइम है, फर्स्ट वाली रो का 2 टाइम है ना, फर्स्ट वाली रो का 2 टाइम है या नहीं है, है तो इट मींस अगर हम क्या ऑपरेशन लगाएं अभी फिर से फर्स्ट रो पे, अगर हम क्या ऑपरेशन लगाएं, आर वन टेंस टू आर वन माइनस टू आर टू, क्या ऑपरेशन लगा दिया कि आर वन में से मैंने इसका डबल टाइम माइनस कर दिया, तो ये भी ज़ीरो, ये भी ज़ीरो, और यहाँ से देखिए 18y से 18y कटेगा और a प्लस सी, यहाँ पे क्या आएगा, a प्लस सी माइनस टू भी, लेकिन टू भी तो किसके इक्वल है, a प्लस सी के इक्वल है, तो यहाँ से क्या a प्लस सी माइनस a माइनस सी कट कटा के क्या आ जाएगा हमारा, ज़ीरो आएगा या नहीं आएगा, आएगा ना, तो यानी कि आपने ऑपरेशन लगाती है, क्या बन गई ये सारी रो, ज़ीरो, फर्स्ट रो क्या बन गई, ज़ीरो, देन नीचे वाली सारी की सारी आपने क्या रख देनी है, एज इट इज़, क्या रख देनी है, एज इट इज़। अब एक चीज़ और आती है, अगर आपके डिटरमिनेंट के अंदर कोई भी रो या कोई भी कॉलम, अगर आपके डिटरमिनेंट के अंदर कोई भी रो और कोई भी कॉलम के सारे एलिमेंट ज़ीरो हो जाते हैं, तो हमारा डिटरमिनेंट भी क्या हो जाता है, वहाँ से ज़ीरो हो जाता है, डिटरमिनेंट भी क्या हो जाता है, वहाँ से ज़ीरो, यानी कि इस डिटरमिनेंट की वैल्यू हमारी क्या आएगी फ्रेंड्स, ज़ीरो आएगी, इस डिटरमिनेंट की वैल्यू हमारी क्या आएगी, यहाँ से ज़ीरो आएगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं, अभी हम नेक्स्ट देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, देखिए मैं आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चन करवाऊंगी जो आप देख आपको देखने में तो ऐसा लगता है बहुत टफ है, लेकिन हम उसको निकालेंगे तो वो बहुत इजी है, बहुत ही ज़्यादा इजी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड क्या, वन 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 ए बी सी ए स्केयर बी स्केयर सी स्केयर, ठीक है। चलिए आप जब भी इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं हमारे, इस जहाँ पे भी आपको वन 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 दिख जाए ना, ये मेरा अपना ओपिनियन है, जहाँ पे भी आपको वन 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 दिख जाए ना, उसमें से आप कोशिश करो कि बाकी के दो वन को आप ज़ीरो बना दो, बाकी के दो वन को आप क्या बना दो, ज़ीरो। अब ये दो वन कैसे ज़ीरो बन सकते हैं, अगर मैं क्या ऑपरेशन लगा दूँ यहाँ पे आर टू पे, अगर मैं आर टू पे ऑपरेशन लगा दूँ कि आर टू में से मैंने आर वन सब्ट्रैक्ट कर दिया, आर टू में से आर वन जाएगा तो वन माइनस वन ज़ीरो, एक साथ दो दो ऑपरेशन लगाएंगे हम, ऐसे ही आर थ्री पे ऑपरेशन लगा दिया, आर थ्री पे क्या ऑपरेशन लगा दिया, आर थ्री माइनस आर वन, आर थ्री पे भी आपने क्या ऑपरेशन लगा दिया, आर थ्री माइनस आर वन, दोनों ही कर दिए। अब आप ये मत कर देना कि आपने आर थ्री पे ऑपरेशन लगा दिया आर थ्री माइनस आर टू, क्यों, क्योंकि आप आर टू पे पहले ऑपरेशन लगा रहे हैं, आर थ्री पे बाद में लगा रहे हैं, तो कोशिश करना कि अगर आप दो दो ऑपरेशन एक साथ लगा रहे हैं तो जिस पे ऑपरेशन लगा रहे हैं उसको सब्ट्रैक्ट मत कर देना किसी में, या उसको ऐड मत कर देना किसी में भी, ठीक है। अगर आप बाद में करेंगे तो बाद में, अगर आप एक एक ऑपरेशन लगा के कर रहे हैं तो कुछ भी कर सकते हैं, चाहे आप किसी में ऐड करें किसी में सब्ट्रैक्ट करें कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन आप दो दो ऑपरेशन इकट्ठे लगा रहे हैं
बिकॉज यहाँ पे सेकंड पे भी ऑपरेशन लग रहा है, सेकंड पे ऑपरेशन लग रहा है, कुछ ना कुछ चेंज आएगा ना उसके अंदर, चेंज आएगा, तो चेंज आएगा तो हम यहाँ से R3 - R2 नहीं कर सकते क्योंकि सेकंड में चेंज आ गया है, सेकंड में कुछ चेंज आ गया, वो चेंज हमें फिलहाल पता नहीं है क्या है, ठीक है। तो हमने किस पे, इन दोनों में से कौन सी सब्ट्रैक्ट कर दी, फर्स्ट रो सब्ट्रैक्ट कर दी, कौन सी रो सब्ट्रैक्ट कर दी, फर्स्ट, तो R2 पे लगाया ना ऑपरेशन, तो R1 तो एज इट इज ही रहेगी, R1 हमारा एज इट इज। अब R2 में से R1 1 - 1 0, B - A आपका एज इट इज, यहाँ से B² - A² देखा। अब R2 हमारी ये बन गई है, R2 अब हमारी ये बन गई है, तो अगर आप R3 - R2 करते, R3 - R2 करते तो क्या हो जाता है, यहाँ से गड़बड़ हो जाती, ठीक है। तो आप जिसके ऊपर ऑपरेशन लगा रहे हो तो उसको कोशिश करना है कि वो किसी भी दूसरे ऑपरेशन के अंदर फिलहाल ना आए, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, R3 - R1 1 - 1 0, C - A C² - A² C² - A² अब देखिए फ्रेंड्स क्या लिख सकते हैं हम इसको, ये B² - A² है, B - A B+A लिख सकते हैं या नहीं, 1 A A² 0 B - A B - A B+A C - A यहाँ से C - A C+A लिख दिया आपने। अब इसमें से देखिए, इस रो में से क्या कॉमन आ रहा है, B - A B - A बाहर आ रहा है, नहीं आ रहा है, आ रहा है ना। अगर किसी भी पर्टिकुलर, हमने प्रॉपर्टी में क्या किया था, अगर कोई पर्टिकुलर रो में कोई भी फैक्टर मल्टीप्लाई है तो वो फैक्टर कहाँ आ जाता है, बाहर आ जाता है, किससे मल्टीप्लाई हो जाता है, डिटरमिनेंट से। तो यहाँ पे ये B - A यहाँ भी B - A यहाँ तो जीरो है, जीरो को किसी से मल्टीप्लाई कर दो तो यानी कि ये B - A कहाँ आ गया आपका, बाहर आ गया। ऐसे यहाँ से देखिए फ्रेंड, C - A यहाँ भी है, C - A यहाँ भी है और यहाँ जीरो है, तो यानी कि यहाँ से क्या बाहर आ गया आपका, C - अंदर क्या बचा, 1 A A² 1 यहाँ पे 1 और B - A बाहर गया तो B+A, यहाँ पे जीरो चल रहा है ना, जीरो जीरो यहाँ पे 1 और यहाँ पे C - A बाहर गया तो क्या बच गया, C+A। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, बस किसके अलोंग एक्सपांड कर देंगे हम, जिसके अलोंग जीरो ज़्यादा आई हुई है, तो आपने इस C1 के अलोंग इसको एक्सपेंड किया तो आपने ये C1 छोड़ दिया और ये R1 छोड़ दिया, तो बच गया क्या आपका, क्रॉस मल्टीप्लाई ऑफ दिस एंड क्रॉस मल्टीप्लाई ऑफ दिस। तो क्या है आपके पास, देखिए B - A C - A × C+A - B - A - B - A से A कट जाएगा तो क्या आ गया आपके पास, देखिए B - A C - A C - B। इसको ऑर्डर में लिख दीजिए, A B C, A के बाद B, B के बाद C, C के बाद A के बाद B आता है ना, तो इसका माइनस कॉमन ले दीजिए A - B। अब ये C - A ये ठीक है, अब B - C कर दीजिए तो यहाँ से फिर से माइनस कॉमन आएगा तो माइनस से माइनस कट जाएगा, तो यानी कि आपका डिटरमिनेंट क्या आया यहाँ से, A - B B - C C - A। इस तरीके से आपने फ्रेंड्स ये चीज़ें करनी है, आया समझ आपको अच्छे से, ठीक है। ना आए तो एक बार फिर से वीडियो को देख लेना, बहुत अच्छे से समझाया, बहुत अच्छे से समझ आएगा आपको, एक एक कंसेप्ट आपका क्लियर किया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं, अभी हम नेक्स्ट सीखी क्या है हमारा फ्रेंड्स क्वेश्चन, X² - Y² - Z² X⁴ - 4 Y⁴ - 4 Z। इसमें क्या दिख रहा है, सबसे पहले आपको क्या दिखाई दे रहा है इसके अंदर क्या दिख रहा है आपको, कि X यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, Y यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, Z यहाँ भी है, यहाँ भी है, यानी कि फर्स्ट रो से हम क्या कॉमन ले लेंगे, X। फर्स्ट रो से क्या कॉमन ले लिया, X। सेकंड रो से क्या कॉमन ले लिया, Y। और थर्ड रो से क्या कॉमन ले लिया, Z। तो फर्स्ट रो से X कॉमन लिया तो हमारा क्या बचेगा, 1XX³। सेकेंड से कॉमन लिया तो 1YY³। थर्ड से कॉमन लिया तो 1ZZ³। अब बस वही काम जो हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था, जहाँ भी आपको 1 दिखाई दे जाए तो 2 1 को क्या बना दीजिए, 0। तो यानी कि R2 पे क्या ऑपरेशन लगेगा, अब तो आपको ईजी हो गया ना समझना, R2 पे क्या ऑपरेशन लगा, R2 - R1। R3 पे क्या ऑपरेशन लगा, R3 - R1 लगा, R3 - R1 लगा, आया समझ, ठीक है। अब नेक्स्ट करते हैं, चलिए तो R1 पे तो कोई ऑपरेशन नहीं लगा ना, R2 - R1 0, Y - X Y³ - X³ यहाँ से 0, Z - X Z³ - X³ यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए फ्रेंड ये क्या होता है, Y³ - X³,
ए क्यू माइनस बी क्यू, तो ए माइनस बी ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस ए बी, ए माइनस बी ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस ए बी, प्लस ए बी माइनस बोल दिया क्या मैंने, प्लस ए बी, ठीक है। अब यहाँ से वाई माइनस एक्स है, यानी कि यहाँ से वाई माइनस एक्स आएगा क्योंकि ए माइनस बी होता है। यहाँ पे जेड माइनस एक्स है, यहाँ भी जेड माइनस, यानी कि वाई माइनस एक्स कॉमन यहाँ से और जेड माइनस एक्स कॉमन यहाँ से, ले लें अब हम कॉमन। तो हमने क्या कर दिया नेक्स्ट स्टेप में, एक्स वाई जेड, वाई माइनस एक्स और जेड माइनस एक्स हमने कॉमन ले लिया, अंदर क्या बच गया वन एक्स एक्स क्यूब जीरो वन, और यहाँ पे क्या बच गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई बच गया, यहाँ पे जीरो वन, यहाँ पे क्या बच गया जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स जेड, ठीक है। अब वही सेम कंसेप्ट, इसके लोग एक्सपांड करेंगे तो ये कट गया हमारा कॉलम और ये हमारी रो कट गई, तो बच गया क्या इसकी और इसकी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई क्या आएगा यहाँ से, तो ये वाला एज इट इज़ लिख दीजिए आप, वाई माइनस एक्स जेड माइनस, इन टू में क्या करना है देखिए, जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स जेड माइनस, क्योंकि माइनस हो जाएगा ना, नीचे से ऊपर जाते हैं तो साइन माइनस का लग जाते हैं, ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। अब देखिए यहाँ से क्या कट हो रहा है आपका, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, और यहाँ से क्या बचा जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स जेड माइनस एक्स वाई। जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, जेड माइनस एक्स जेड प्लस एक्स, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है एक्स, तो जेड माइनस वाई, जेड माइनस वाई यही है ना हमारा जेड माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे यहाँ से, ये देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कटा तो वाई स्क्वायर बचा ना, यहाँ पे वाई स्क्वायर जेड माइनस वाई जेड प्लस वाई, तो यहाँ से जेड माइनस वाई हमारा क्या आ जाएगा कॉमन, तो यहाँ क्या बचा जेड प्लस वाई और यहाँ पे क्या बचा एक्स, यानी कि आपके पास क्या आ गया, क्या आ गया आपके पास, अगर हम इसको लिखें तो क्या आ गया हमारे पास, यहाँ से क्या आया हुआ था एक्स वाई जेड वाई माइनस एक्स जेड माइनस एक्स जेड माइनस वाई एक्स प्लस वाई और प्लस जेड। इसको आप अगर ऑर्डर में लिखेंगे तो, ऑर्डर में लिखेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ से आप अपनी मर्जी से लिख सकते हैं एक्स वाई जेड एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स, क्योंकि इन दोनों का साइन आप बाहर निकालेंगे माइनस, तो वो माइनस माइनस हमारा क्या हो जाना है प्लस हो जाना है, क्या हो जाना है प्लस। समझ आ रहा है, ऐसे क्वेश्चन उठा रही हूँ मैं जो आप लोगों को डिफ़िकल्ट लगते हैं, बाकी क्वेश्चन तो आप खुद भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आपने क्वेश्चन ट्राई भी करके देखने हैं, ये नहीं है कि मैम ने करवा दिए तो बस हो गए हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट करते हैं, अभी हम क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, ये x प्लस फोर टू एक्स टू एक्स टू एक्स एक्स प्लस फोर टू एक्स टू एक्स टू एक्स एक्स प्लस फोर, इसका निकालना है आपने। अब आप इसमें क्या कर सकते हैं वो चीज़ देखिए, क्या कर सकते हैं इसके अंदर आप, आपको क्या दिखाई दे रहा है, x प्लस फोर यहाँ भी है टू एक्स यहाँ भी है टू एक्स टू एक्स एक्स प्लस फोर टू एक्स टू एक्स एक्स, या तो आप सारी रो को ऐड कर दीजिए या सारे कॉलम को ऐड कर दीजिए। मान लीजिए मैंने रो पे ऐड रो पे मान लीजिए मैंने कॉलम में ऑपरेशन लगा दिया, कॉलम में क्या ऑपरेशन लगा दिया, सी वन टेंस टू सी वन प्लस सी टू प्लस सी थ्री, इस कॉलम पे क्या ऑपरेशन लगाया कि मैंने ये सारे सी वन सी टू सी थ्री ऐड कर दिए, तो यहाँ से क्या आ जाएगा टू एक्स प्लस टू एक्स प्लस एक्स प्लस फोर, यानी कि फाइव एक्स प्लस फोर, ऐसे यहाँ पे फाइव एक्स प्लस फोर, ऐसे यहाँ पे फाइव एक्स प्लस फोर, यहाँ पे क्या बचेगा टू एक्स, यहाँ पे 2x, यहाँ पे x प्लस फोर, यहाँ पे 2x, यहाँ पे 2x और यहाँ पे x प्लस फोर। अब देखिए फ्रेंड्स 5x प्लस फोर यहाँ भी है यहाँ भी है यहाँ भी, एक पर्टिकुलर कॉलम में है तो बाहर आ जाएगा, तो बाहर आएगा तो हमारा क्या हो जाएगा 5x प्लस फोर हमारा बाहर आ गया, यहाँ क्या बन गया 1 1 1 2x 2x x प्लस फोर 2x 2x x प्लस फोर। बस अब हमारा नेक्स्ट काम क्या है, जीरो बनाना। जीरो कैसे बनाएंगे, वही सेम प्रोसेस आर टू टेंस टू आर टू माइनस आर वन आर थ्री टेंस टू आर थ्री माइनस आर वन लगा दीजिए ऑपरेशन, क्या बनेगा आपका फाइव एक्स प्लस फोर यहाँ पे बना वन टू एक्स टू एक्स वन माइनस वन जीरो एक्स प्लस फोर माइनस टू एक्स फोर माइनस एक्स टू एक्स माइनस टू एक्स जीरो वन माइनस वन जीरो टू एक्स माइनस टू एक्स जीरो एक्स प्लस फोर माइनस टू एक्स फोर माइनस एक्स। इस कॉलम के
अलोंग एक्सपांड करेंगे तो ये कॉलम कट गई और ये रो कट गया, तो यानी कि हमारा क्या आ गया, क्या आ गया यहाँ से, 5x प्लस 4 इंटू 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इंटू 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये था क्वेश्चन फ्रेंड आपका, था ना बहुत इजी क्वेश्चन, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन के अंदर, बस आपने करना क्या है, आपने स्टेप फॉलो करते जाने हैं जो मैंने बताए हैं। सबसे पहले 1 1 1 बनाने की कोशिश करो जहाँ भी बन सकता है, फिर उस 1 1 1 को जीरो में कन्वर्ट करने की कोशिश करो। जीरो में कन्वर्ट कर दोगे क्योंकि आपको पता है जैसे ही जीरो आ जाएंगे तो सिर्फ आपको कुछ नहीं करना, क्रॉस मल्टीप्लाई नीचे वालों की करनी है। क्यों करनी है, क्योंकि वन पहले आप वन लिखोगे तो वो कॉलम छोड़ दिया आपके, बस नीचे वाले बॉक्स बचेगा। अब क्योंकि आप इस कॉलम के अलोंग एक्सपांड कर रहे हैं जिसमें जीरो जीरो है, जीरो के किसी के साथ भी मल्टीप्लाई कर दो, आना क्या है, जीरो ही आना है। इसलिए हम कोशिश करते हैं कि हम क्या बना दें वहाँ पे, जीरो 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 ज़्यादा से ज़्यादा बना दें। ठीक है फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब है हमारा। देखिए नेक्स्ट में क्या है, 1a² सेम केस है, सेम, कुछ भी अलग नहीं है। क्वेश्चन को देख के पहले समझो उसको कि क्या कर सकते हैं। अब आप किसी भी रो और किसी भी कॉलम को अगर आप ऐड करेंगे तो क्या आएगा आपके पास, मान लीजिए आपने C1 पे ऑपरेशन लगा दिया, C1 प्लस C2 प्लस C3 क्या हो जाएगा, सारे ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ पे 1 प्लस a स्क्वायर 1 a स्क्वायर 1 a स्क्वायर 1 a a स्क्वायर 1, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कॉमन क्या आ रहा है यहाँ से, 1 प्लस a प्लस a स्क्वायर कॉमन आ रहा है, यहाँ पे क्या बचा, 1 1 1 a a स्क्वायर 1 a a स्क्वायर 1। बस अभी काम क्या रह गया, इन दोनों को जीरो बनाना है। ये दोनों जीरो कैसे बनेंगे, r2 टेंस टू r2 माइनस r1 r3 टेंस टू r3 माइनस r1, लगा दिया आपने। अब क्या करेंगे यहाँ से, 1 प्लस a प्लस a स्क्वायर क्या हो जाएगा यहाँ से, अगर हम करें तो ये 1 a a स्क्वायर 1 माइनस 1 0 a स्क्वायर माइनस 1 सॉरी सेकंड पे लगा रहे हैं ना तो 1 माइनस a a माइनस a स्क्वायर, थर्ड पे लगा रहे हैं तो 1 माइनस 1 0 a स्क्वायर माइनस a और a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर यहाँ से क्या हो जाएगा, नहीं ये 1 माइनस a स्क्वायर हो जाएगा, 1 माइनस a स्क्वायर। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ से कॉमन आ रहा है कुछ ना कुछ, क्या कॉमन आ रहा है यहाँ से अगर देखें तो, हम 1 माइनस a, यहाँ से a कॉमन आ रहा है तो क्या हो जाएगा, a इंटू 1 माइनस a हो जाएगा, यहाँ से a कॉमन आ रहा है तो क्या हो जाएगा, a इंटू a माइनस 1, और इसको क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस a इंटू 1 प्लस a, सारी चीज़ें राइट कर दीजिए एक बार, 1 a a स्क्वायर 0 1 माइनस a, यहाँ से a कॉमन लेंगे तो 1 माइनस a, यहाँ पे 0, यहाँ से a कॉमन लेंगे तो a माइनस 1, और इसको क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस a 1 प्लस a। ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऊपर वाला रफ कर दूं मैं, ऊपर वाला रफ कर देते हैं। अब देखिए इस रो में से क्या कॉमन आ रहा है, 1 माइनस a 1 माइनस a आ रहा है या नहीं आ रहा है, बाहर ले दिया मैंने 1 माइनस a। अब यहाँ से देखिए फ्रेंड, a माइनस 1 a माइनस 1, अगर a माइनस 1 यहाँ से कॉमन लूँगी तो ये माइनस साइन लग जाएगा ना, वो हम लगा देंगे कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ से आपने क्या कॉमन लिया, 1 माइनस a ले लीजिए, चलो बाहर 1 माइनस a है तो 1 माइनस a बाहर ले लिया आपने, तो यहाँ पे 1 a a स्क्वायर 0 1 a 1, यहाँ a यहाँ पे बच गया। अब यहाँ पे 1 माइनस a लिया आपने, ध्यान रखना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यहाँ 1 माइनस a आ गया तो यहाँ क्या आ गया, 1 प्लस a। बस अब तो काम क्या रहेगा, इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई, बिकॉज आपने इसके अलोंग एक्सपांड किया है तो बस ये तो कट ही गया, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, बाहर क्या चल रहा है हमारा, वो हम बाहर रखेंगे, पहले इसको सॉल्व कर दीजिए, 1 प्लस a 1 प्लस a, और यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, अगर इसको देखें तो सॉल्व करेंगे तो 1 की मल्टीप्लाई 1 प्लस a से, देन a की मल्टीप्लाई, ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस a प्लस a स्क्वायर, ये अंदर वाला आया, बाहर क्या पड़ा है हमारे पास, देखिए 1 प्लस a प्लस a स्क्वायर पड़ा हुआ है, 1 माइनस a का होल स्क्वायर पड़ा हुआ है, और 1 प्लस a प्लस a स्क्वायर, ये 2 टाइम है तो इसको स्क्वायर लिख दूँ मैं, इसको मैंने स्केयर लिख दिया। ठीक है अब इसको क्या लिख सकते हैं, क्योंकि स्केयर है तो इसको हम a माइनस 1 का भी स्केयर लिख देंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नहीं पड़ेगा ना, a माइनस 1 का होल स्केयर लिख दोगे तो भी वही आएगा, 1 माइनस a का होल स्केयर लिख दोगे तो भी वही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ना, यानी कि यहाँ से इसका ये क्या हो गया हमारा, इसको हम क्या लिख सकते हैं फिर,
इसको हम क्या लिख सकते हैं, a माइनस वन इंटू ए स्केयर प्लस ए प्लस वन और इस पूरे का होल स्केयर। ये किसका फॉर्मूला होता है, ए क्यूब माइनस वन और इस पूरे का क्या चल रहा है, होल स्केयर। तो इस टाइप से क्वेश्चन करने हैं फ्रेंड हमें, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन के अंदर, देखने में इतने बड़े बड़े क्वेश्चन लग रहे, पता नहीं क्या होगा इन क्वेश्चन में, और स्टेप्स तो कुछ भी नहीं है, बस आपने कोशिश करनी है एक ही, मैंने क्या बताया था कि आपने क्या बनाना है, वन 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 बनाना है, उसके बाद आपने क्या बनाना है, ज़ीरो 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 बनाने की कोशिश करनी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं अभी हम, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स क्या है हमारा। माइनस ए ए बी ए सी, बी ए माइनस बी स्केयर बी सी, ए सी बी सी माइनस ई स्केयर। देखिए क्या करेंगे, आपको क्या नज़र आ रहा है यहाँ से, अगर देखें तो क्या दिख रहा है हमें यहाँ पे, यहाँ भी ए है, यहाँ भी ए है, यहाँ भी ए, यहाँ भी बी है, यहाँ भी बी है, यहाँ भी बी है, यहाँ भी सी है, यहाँ भी सी है, यहाँ, यानी कि फर्स्ट रो से क्या कॉमन आ रहा है, ए, सेकंड रो से बी और थर्ड रो से क्या कॉमन आ रहा है सी, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे क्या बना, ए कॉमन आ रहा है तो माइनस वन, ए कॉमन आ रहा है तो यहाँ पे बी और यहाँ पे बच गया सी, यहाँ पे बी कॉमन आया है तो ए, यहाँ माइनस बी और यहाँ पे बच गया हमारा बी ए है ना, ये बी ए है, माइनस बी स्केयर है और सी स्केयर है, ये ए स्केयर था फ्रेंड यहाँ पे, ए स्केयर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचेगा हमारा, ए बचेगा, क्या बचेगा, माइनस ए बी सी ए और यहाँ पे क्या है हमारा सी। अब यहाँ से सी कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बच गया, ए यहाँ पे बच गया, बी और यहाँ पे बच गया माइनस सी, यहाँ पे बच गया आपका माइनस सी। अब हम कोशिश करेंगे जितनी ज़्यादा ज़ीरो बना सकते उतनी ज़्यादा ज़ीरो बना दें। हमारी ज़ीरो कहाँ बनेगी, सिर्फ यहाँ बन रही है फ्रेंड, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ज़ीरो बन रही है, यानी कि आर वन पे ऑपरेशन लगा दीजिए आप, आर वन प्लस आर टू, तो आर वन पे लगाया ना तो R1 में होएगा, तो R1 दोनों को ऐड किया तो ज़ीरो, B प्लस बी ऐड किया ज़ीरो, C प्लस सी हमारा कितना हो गया 2C। नीचे वाले हमारे क्या पढ़े हैं, एज इट इज़ पढ़े हैं, A माइनस बी सी, ए बी माइनस सी। अब देखिए फ्रेंड ज़ीरो ज़ीरो आ गया ना, फर्स्ट रो के लॉन्ग एक्सपांड कर दीजिए, ये कट गया और बिकॉज ये वाला एलिमेंट करना है हमें तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा कट, ये एलिमेंट तो हमें लेना होता है ना, एलिमेंट तो ये वाला तो लेंगे क्योंकि इसके लॉन्ग एक्सपांड कर रहे हैं, तो 2C एलिमेंट क्या कर लेते हैं हम एक्सपांड करते हैं, जैसे फर्स्ट एलिमेंट फिर उसके नीचे जो हमारा डेटमेंट आया वो, सेकंड एलिमेंट फिर उसके साथ जो डेटमेंट बचेगा वो, थर्ड एलिमेंट फिर उसके साथ जो, अब देखिए ये दोनों एलिमेंट तो जीरो है, इनके साथ कुछ भी ले लो जीरो ही रहेगा, लेकिन ये वाला कॉर्नर वाला तो एलिमेंट ले रहे हैं ना हमने, तो इस ये वाला छोड़ दिया, ये वाला छोड़ दिया, तो बच गया क्या हमारे पास, ए बी सी चला हुआ है और साथ में 2C ये वाला, क्योंकि कॉर्नर का एलिमेंट उठाना है हमें, डेटमेंट की प्रॉपर्टी है। अब इनकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ से क्या हो जाएगा, ये ए बी और ए माइनस ए बी माइनस माइनस प्लस ए बी, तो यहाँ पे क्या बच गया, देखिए 2 ए बी सी का स्केयर हो जाएगा और यहाँ से 2 ए बी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से करेंगे 2 2 4 ए स्केयर बी स्केयर सी स्केयर, ये आपका आंसर आ जाएगा फ्रेंड, क्या आ जाएगा, 4 ए स्केयर बी स्केयर सी स्केयर, है ना इजी क्वेश्चन, कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं है, कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं है, अगर आप करने लगोगे ना बहुत इजी लगेंगे आपको, बस ये वीडियो देख लीजिए, ये वीडियो देखने के बाद आपका 0.1% भी कहीं डाउट नहीं रहेगा फ्रेंड, क्योंकि इसके अंदर ऐसे ऐसे क्वेश्चन कर रहे हैं हम जो देखने में इतने हार्ड लगते हैं लेकिन करने में बहुत सिंपलीफाई वे में हमने किए हैं, ठीक है। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं हम हमारा, देखिए लास्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, ए स्केयर प्लस वन ए बी ए सी, ए बी बी स्केयर प्लस वन बी सी, ए सी सी बी और सी स्केयर प्लस वन। अब देखिए आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे, कहीं से कुछ कॉमन आ रहा है, यहाँ पे ए है यहाँ पे नहीं है, लेकिन यहाँ पे ए है लेकिन यहाँ पे नहीं है, यानी कि यहाँ हमें देखने में तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि क्या करें, लेकिन एक काम कर सकते हैं इसके अंदर, क्या कर सकते हैं, अगर मैं सारे कॉलम, फर्स्ट कॉलम को मैं ए से मल्टीप्लाई कर दूँ, सेकंड को बी से, थर्ड को सी से, अब मल्टीप्लाई किया है तो डिवाइड भी तो करना पड़ेगा ना, तो डिवाइड कर दीजिए यहाँ पे ए बी सी, अब ए बी सी से मल्टीप्लाई किया तो ए कहाँ गया, फर्स्ट कॉलम में, ए कहाँ गया हमारा, फर्स्ट कॉलम में, तो क्या हो जाएगा, ए क्यूब प्लस ए ए स्केयर बी
ए स्केयर सी, बी कहाँ गया सेकंड कॉलम में, तो ए बी स्केयर बी क्यू प्लस बी सी बी स्केयर, सी कहाँ गया थर्ड कॉलम में, ए सी स्केयर बी सी स्केयर सी क्यू प्लस सी। अब देखिए, अब आपको पता चल जाएगा कि आपका क्या कॉमन आ रहा है। अब हमारा देखिए, इस रो में ए है, इसमें भी है, इसमें भी है, इस रो में बी है, बी है, बी है, सी है, सी है, सी है, यानी कि फर्स्ट रो से क्या कॉमन आएगा ए, सेकंड रो से क्या कॉमन आएगा बी, और थर्ड रो से क्या कॉमन आएगा सी। तो ए बी सी कॉमन आया, नीचे ए बी सी था, ये तो कट जाएगा हमारा, बचा क्या ऊपर, यहाँ पे बचा ए स्केयर प्लस वन, यहाँ पे ए कॉमन आ गया तो बी स्केयर, ए कॉमन आ गया तो सी स्केयर, यहाँ पे बचा ए स्केयर, यहाँ पे बचा बी स्केयर प्लस वन, यहाँ पे बचा सी स्केयर, यहाँ पे बचा ए स्केयर, यहाँ पे बचा बी स्केयर, यहाँ पे बचा सी स्केयर प्लस वन। बस अब तो है ही नहीं कुछ भी इसके अंदर, देखिए ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर प्लस वन, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर प्लस वन, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर प्लस वन। बस ऑपरेशन लगा दीजिए, सी वन पे आपने ऑपरेशन लगा दिया, सी वन प्लस सी टू प्लस सी थ्री, तो क्या आ जाएगा ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर प्लस वन, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर प्लस वन, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर प्लस वन, यहाँ पे क्या बचा बी स्केयर, यहाँ पे सी स्केयर, यहाँ पे बी स्केयर प्लस वन, यहाँ पे सी स्केयर, यहाँ पे बी स्केयर, यहाँ पे सी स्केयर प्लस वन। ठीक है, अब क्या कॉमन आ रहा है फर्स्ट कॉलम में से, फर्स्ट कॉलम में से क्या कॉमन आ रहा है, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर प्लस वन कॉमन आ रहा है ना, तो कॉमन ले दीजिए, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर प्लस वन आपने कॉमन ले दिया, क्या बचा यहाँ पे वन वन वन, बी स्केयर सी स्केयर, बी स्केयर प्लस वन सी स्केयर, बी स्केयर सी स्केयर प्लस वन। बस अभी क्या करना है आपने, इसको सॉल्व कर देना है, तो सॉल्व कर दीजिए इसको, जैसे ही हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के लिए क्या करना है, क्या करना है, इसको ज़ीरो बनाना है, इसको ज़ीरो, तो R2 कैसे ज़ीरो बनेगा, R2 माइनस R1, और R3 हमारा कैसे ज़ीरो बनेगा, R3 माइनस R1 से ज़ीरो बनेगा। ठीक है फ्रेंड, तो लगा दीजिए ऑपरेशन, बाहर क्या चल रहा है, वन प्लस ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर, यहाँ पे करेंगे तो क्या आएगा, देखिए वन बी स्केयर सी स्केयर, इसको करेंगे तो क्या आएगा ज़ीरो, इसको करेंगे तो बी स्केयर माइनस बी स्केयर वन, सी स्केयर माइनस सी स्केयर ज़ीरो, इसको करेंगे तो ज़ीरो, इसको करेंगे तो ज़ीरो, और यहाँ से क्या करेंगे वन। अब बस इसके लोग एक्सपांड करेंगे, ये कट गया, ये कट गया, तो वन आया, वन की मल्टीप्लाई वन के साथ करेंगे तो क्या आएगा हमारा, वन ही आएगा और तो कुछ नहीं आना। सो दिस इम्प्लाइज वन प्लस ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर, ये आपका क्या आ जाएगा फ्रेंड, आंसर आ जाएगा, ये आपका क्या आ जाएगा यहाँ से आंसर आ जाएगा। आई होप आपको समझ आया होगा अच्छे से बिल्कुल, क्योंकि हमने इतने इंटरेस्टिंग वे में किए हैं ना सारे के सारे क्वेश्चन, समझ ना आने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है, नहीं होता है ना। चलिए ये क्वेश्चन आपको घर के लिए देती हूँ मैं, वो आप लोगों ने ट्राई करना है, ठीक है, नहीं होता है तो फिर मुझे बताना। देखिए क्या है क्वेश्चन, बी प्लस सी, सी प्लस ए, ए प्लस बी, ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, बी और सी, इसको आपने प्रूफ करना है कि ये आएगा 3abc माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब, ये आपने खुद ने ट्राई करना है, ये क्वेश्चन आपने खुद ने ट्राई करना है और इसका आंसर आपने फाइंड आउट करना है कि ये आएगा। ठीक है, ये आपका होमवर्क है आज का, आज का ये आपका होमवर्क है। ठीक है, तो आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छे से सारे कंसेप्ट क्लियर हुए होंगे, जो भी डाउट्स थे आपके पहले वो सारे डाउट्स आज क्लियर हो गए होंगे आपके, है ना, क्योंकि हमने सारी प्रॉपर्टीज़ को अच्छे से विद एग्जांपल डिस्कस किया है, एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी हमने किए हैं, इस पर हम एक दिन और लगाने वाले हैं फ्रेंड। ठीक है, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि इस चैप्टर के अंदर आपका कोई भी, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर आपका कम से कम 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन बड़ा तो आएगा ही आएगा, छोटे क्वेश्चन भी आपके इसके अंदर से 1 या 2 नंबर के आ जाएंगे। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, बाय बाय, टेक केयर, बी सेफ एंड बी हेल्दी, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो फ्रेंड्स।